अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स। सो गाइस, यहां पे आज हम इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करने जा रहे हैं विद इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज। इसमें काफ़ी सारे आस्कड भी है प्रीवियस ईयर्स में, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी जेकेएसपी के एग्जाम्स होने वाले हैं उनके सबके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम सारी यहाँ पे इस सीरीज में इस रिलेटेड यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी इंक्लूड होगी और आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो भी, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस वो भी डिस्कस करेंगे आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में। तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है आप अगर इस चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन 16th ऑफ मार्च 1846 में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ठीक है। उसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर में वो साइन हुई थी बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट्स ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे यहाँ पे रूल कर रहा था इंडिया में, एंड द रूलर ऑफ जम्मू राजा गुलाब सिंह। तो जो रूलर ऑफ जम्मू था ना कि कश्मीर, रूलर ऑफ जम्मू उस टाइम राजा गुलाब सिंह था। उनके दरमियान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक ट्रीटी हुई थी जिसे हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, ऑन 16th ऑफ मार्च 1846। उसमें यहाँ पे जो है गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स से यहाँ पे कश्मीर को खरीदा था इन 75 लाख रुपीज़ और 75,000 नानक शाही रुपीज़ में यहाँ पे जो है कश्मीर को खरीदा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, महाराजा गुलाब सिंह बिकम द रूलर ऑफ कश्मीर बट अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ही वाज अ वैजल ऑफ द ब्रिटिश एंड हैज़ टू पे एन एनुअल ट्रिब्यूट टू द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सुपरमेसी। तो यहाँ पे जो महाराजा गुलाब सिंह था वो यहाँ पे रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बना था, रूलर ऑफ द कश्मीर बना था, बट उसको एज अ वेजल यहाँ पे रहना पड़ा किनका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स, वेजल क्या होता है, वेजल इज अ पर्सन हु वाज ग्रांटेड या हु इज ग्रांटेड अ पोजिशन ऑफ लैंड बाई लॉर्ड और जो उस टाइम थे रूलर, दैट इज ब्रिटिशर्स। तो उस टाइम यहाँ पे जो कश्मीर था एक प्रिंसली स्टेट था, तो यहाँ पे वेजल के तौर पर यहाँ पे इसको गुलाब सिंह को यहाँ पे इलेक्ट किया गया और कश्मीर को भेजा गया इन ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसको कुछ यहाँ पे करना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ रुपीज और जो भी करेंसी थी उस टाइम वहाँ पे ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था एज ए ट्रिब्यूट और एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर सुपरमेसी। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं द स्टेट ऑफ जेएंड के अंडर डोगरा रूल। तो यहाँ पे स्टार्ट होता था क्योंकि जो डोगरा रूल है उसका जो फाउंडर है इन जेएंड के, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कश्मीर को खरीदा था और ये इसने रूल किया 1856 तक, एंड ही वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जेएंड के। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट्स बाउंड्रीज वर डिमार्केटेड। तो जो है जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट जो है वो महाराजा हरी सिंह के द्वारा यहाँ पे बनाया गया और इसमें लद्दाख भी इंक्लूड होता है जो महाराजा गुलाब सिंह ने कॉन्कर कर रखा था उससे पहले, यहाँ पे कश्मीर खरीदने से पहले, सेल ऑफ कश्मीर होने से पहले। तो इसकी मार्क बाउंड्रीज भी उसने डिमार्केट की। उसके बाद गुलाब सिंह डिवाइडेड द किंगडम इनटू सेवरल परगनाज इंक्लूड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लद्दाख को परगनाज में डिवाइड किया, अलग अलग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहली बार डिवाइड किया जिनको फिर गवर्नर रूल करते थे। टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन गुलाब सिंह ऑर्गेनाइज्ड और रीऑर्गेनाइज्ड द रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए गुलाब सिंह ने रीऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ही ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। इसने ऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मेंटेन रखे लैंड रिकॉर्ड्स विलेज के। ही ऑर्गेनाइज्ड द पुलिस डिपार्टमेंट विच वॉज एडमिनिस्टर्ड बाई कोतवाल्स एंड थानेदार्स। इसने पुलिस डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइज किया था और वो फिर एडमिनिस्टर किया जाता था बाई कोतवाल्स एंड थानेदार्स। He met the leaders of Shawl trade who were heavily taxed in the Sikh regime and he addressed their grievances. उसने यहाँ पे जो शाल ट्रेडर्स थे उनके उनसे वो मिले और उनका जो है जो सिख रूल में उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था उनका टैक्स कम किया और उनके यहाँ पे एड्रेस किए उनके ग्रीवेंसेज जो भी उनकी शिकायतें थी। क्राइम वॉज सप्रेस्ड रूथलेसली इन हिज रीजन। ही कैप्चर्ड लीडर्स ऑफ मॉर्डिंग गलवान्स आफ्टर समरी ट्रायल एग्जीक्यूटेड देम पब्लिकली। तो जो यहाँ पे इसने इसके टाइम ड्यूरेशन इसके रूल में जो क्राइम था वो सप्रेस किया गया और इसने बहुत सारे जो उस टाइम के क्रिमिनल्स थे उनको यहाँ पे जिन्हें गलवान्स बोलते थे फिर शॉर्ट टाइम के बाद उनको पब्लिकली उसने एग्जीक्यूट किया, सजा दी थी। फर्दर गुलाब सिंह रिफॉर्मर द बेगार। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। गुलाब सिंह ने बेगार सिस्टम जो है जिसे हम फोर्स्ड लेबर कहते हैं वो रिफॉर्म किया। मेड द राशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर और पहली बार उसने राशनिंग स्टार्ट की टू द पीपल ऑफ श्रीनगर।
ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड एंड ट्रेड एंड कॉमर्स बिकम सेफ, और इसके रूल में ट्रेड और कॉमर्स फिर सेफ रहा। ही सप्रेस्ड द राइजिंग क्राइम एंड ड्रो अवे गलवांस, प्रोफेशनल जो गलवांस थे वो प्रोफेशनल रॉबर्स ऑफ हॉर्सेज थे एंड थे जो चोर थे, फिर उनको एग्जीक्यूट किया पब्लिकली जैसे मैंने बताया। ही ड्रो अवे ऑल द बॉम्बास एंड खोखास फ्रॉम द विलेज एंड स्टेशनर स्ट्रॉन्ग गैरिसन इन द फोर्ट्स फॉर गार्डिंग ऑफ द पासेस। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म वाज द राशनिंग ऑफ द राइस टू द स्टीप पॉपुलेशन। यहाँ पे जो राशनिंग ऑफ राइस के वो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था बाई गुलाब सिंह। ही रिफॉर्मड द शाल इंडस्ट्री एंड इंक्रीज द वेज ऑफ वर्कर्स। उसने शाल इंडस्ट्री में जो काम करते थे उनके वेज भी इंक्रीज कराए। द सिस्टम ऑफ बेगर वाज आल्सो रिफॉर्म, जैसे मैंने बताया फोर्स लेबर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, रिफॉर्म किया गया। यहाँ पे ही फॉर्मड द धर्मा ट्रस्ट एंड कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। उसने कंस्ट्रक्ट करा जम्मू एंड कश्मीर, रघुनाथ टेम्पल टेम्पल जो है वो यहाँ पे जो है गुलाब सिंह ने ही उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं रिगार्डिंग गुलाब फर्स्ट रूलर ऑफ डोगरा रूलर ऑफ जे एंड के। तो इसने 1847 से लेकर 1848 से लेकर 1857 तक यहाँ पे जे एंड के में रूल किया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो डोगरा रूलर था, सेकेंड डोगरा रूलर, दैट द सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। इसने 1856 से लेकर 1885 तक रूल किया। तो इसके बारे में यहाँ पे हम देख रहे थे इन फरवरी 1856 फेब में यहाँ पे गुलाब सिंह ने नॉमिनेट किया इसके जो इसका जो बेटा था सन रणबीर सिंह एज ए रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 1856 में ही उसने नॉमिनेट किया रणबीर सिंह को एज ए रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही ऑर्गेनाइज द होल एडमिनिस्ट्रेशन इन टू थ्री डिपार्टमेंट्स। इसने ऑर्गेनाइज किया महाराजा रणबीर सिंह ने तीन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, दैट इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसे हम उस टाइम पे दफ्तर निज़ामत बोलते थे। उसके बाद सिविल डिपार्टमेंट इसने यहाँ पे जो है बनाया था जिसे हम दफ्तर दीवानी बोलते हैं, और मिलिट्री डिपार्टमेंट ने भी इसने फॉर्म किया था जिसे दफ्तर जंगी कहते थे। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ही मेड इंप्रूवमेंट्स इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाई फिक्सिंग द रेवेन्यू। उसने फिक्स किया लैंड रेवेन्यू, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म जो लैंड रेवेन्यू है रखा, फिक्स किया किसको कितना लैंड रेवेन्यू देना है वो उसने फिक्स किया, ठीक है। उसके बाद द जुडिशियल सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड एंड पैनल कोड वाज डन अपॉन द लाइंस ऑफ मैक्यूले कोड इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम जो है वो ये रीऑर्गेनाइज किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, एंड पैनल कोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इसकी लाइंस पे, लाइंस ऑफ मैक्यूले कोड इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया में मैक्यूले कोड था या पढ़ लीजिएगा गूगल से मैक्यूले कोड, उसके लाइंस के अपॉन पे बेस पे यहाँ पे पैनल कोड यहाँ पे बनाया गया इसने महाराजा रणबीर सिंह ने। उसके बाद अपील कोर्ट्स वर सेट अप इन बोथ एट जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू एंड श्रीनगर में अपील कोर्ट्स सेट किए गए महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा पहली बार, और 30 सब अल्टरनेट कोर्ट्स फंक्शन जो फंक्शनल थे डिफरेंट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद एक कार्ट रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन रावलपिंडी एंड श्रीनगर इन 1890 में। यहाँ पे जो है एक कार्ट रोड बनाया गया महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा, एंड अनदर रोड दैट इज बानीहाल कार्ट रोड वाज बिल्ट बिटवीन जम्मू श्रीनगर इन 1913 से लेकर 1915 तक यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ बानिया कार्ट रोड भी कंप्लीट हुआ था। ही अबॉलिश्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन शॉल्स। इसने खत्म की एक्सपोर्ट ड्यूटी जो टैक्सेस पड़ते थे, एक्सपोर्ट टैक्सेस ऑन शॉल्स एंड इंपोर्टेड कोकून्स फ्रॉम चाइना। इसने कोकून्स यहाँ पे इंपोर्ट किए चाइना से टू इम्प्रूव सिलिक मेकिंग। कोकून्स यहाँ पे जो है वो काम आते हैं, वो रॉ मटेरियल होते हैं सिलिक के, तो इसे सिलिक बनाया जाता है, ठीक है। तो कोकून्स उसने इंपोर्ट किए कराए चाइना से, तो यहाँ पे सिलिक मार्केटिंग भी यहाँ पे अच्छी होती थी फिर इसके रूल में। बींग ए पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स, ये एक पैट्रॉन थे आर्ट एंड लिटरेचर के। रणबीर सिंह एनकरेज्ड रिसर्च एंड फाउंडेड ए गुड लाइब्रेरी ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन मैनुस्क्रिप्ट। तो इसने एज ए पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर रणबीर सिंह ने यहाँ पे रिसर्च को यहाँ पे एनकरेज किया, और लाइब्रेरीज संस्कृत और पर्शियन के लाइब्रेरीज भी सेटअप किए। ही इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्निज्म इन एजुकेशन बाई एस्टैब्लिशिंग मनी स्कूल। इसने बहुत सारे स्कूल एस्टैब्लिश किए। ही डोनेटेड 1 लाख रुपी टू सेट अप पंजाब यूनिवर्सिटी। इसने 1 लाख रुपी यहाँ पे डोनेट किया पंजाब यूनिवर्सिटी सेट करने के लिए एट दैट टाइम, ठीक है, एट लाहौर जो लाहौर में बनी थी, एंड बिकम इट्स फर्स्ट फेलो, और पहले फेलो भी बने इसके। ही आल्सो डोनेटेड लिबरली टू संस्कृत इंस्टीट्यूशन एंड बनारस एंड एट बनारस एंड मेड प्रोविजन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टेट स्टडी देयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन में ध्यान दिया था महाराजा रणबीर सिंह ने। स्कूल सेटअप किए, लाइब्रेरी सेटअप किए, और पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए 1 लाख रुपी जो लाहौर में बनी उसके लिए डोनेट किया था। इन सेक्रेटेरियन डिस्टर्बेंस व्हेन शियाज वर अटैक्ड एंड लूटेड बाय सुनीज, ही गेव एडुकेट कॉम्पेंसेशन टू विक्टम्स शिया विक्टमाइज्ड शिया। ही प्रूव्ड हिज रिलीजियस टॉलरेंस दैट ही वाज लाइक्ड बाय हिज ओन पीपल। ड्यूरिंग हिज रेन द ट्रांस हिमालयन टेरिटरीज ऑफ गिलगित
स्टोर एंड हुंजा नगर वायर एनेक्सड एंड बिकेम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके रोल में जो ट्रांस हिमालयन टेरिटरीज थे गिलगित, अस्टोर और हुंजा, इसने कंकर किए थे और वो पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, काफी ज्यादा टाइम पूछा गया है वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आल्सो बिल्ट रामेश्वरम टेम्पल, इसने रामेश्वरम टेम्पल बनाया, द बिगेस्ट शिवा टेम्पल, एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, इन नॉर्थ इंडिया एंड अदर टेम्पल्स एट जम्मू एंड उत्तर बेनी, और उसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जम्मू और उत्तर बेनी में। धर्माथा ट्रस्ट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय हिम टू लुक आफ्टर द टेम्पल्स, एक ट्रस्ट बनाया था जिसे हम धर्माथा ट्रस्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे टेम्पल्स का ख्याल रखने के लिए बनाया गया था। ही एस्टैब्लिश्ड ए रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारुल तर्जुमा और दारुल तर्जुना, ग्रेट पाठशाला एंड मॉडर्न स्कूल इन द स्टेट, इसने यहाँ पे रिसर्च और ट्रांसलेशन ब्यूरो भी बनाया था जिसे दारुल तर्जुना बोलते थे एट द टाइम, जो एक पाठशाला, ग्रेट पाठशाला था और मॉडर्न स्कूल इन द स्टेट था। सर्विसेज ऑफ द टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस, सर्विसेज ऑफ टेलीग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इसके टाइम के रूल में और पोस्टल सर्विस भी स्टार्ट हुए थे। तो एनकरेज ट्रेड एंड इंडस्ट्री, रणबीर सिंह रिऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम, से रिऑर्गेनाइज किया टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे स्मूथ बनाने के लिए ट्रेड और इंडस्ट्री को, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ शाल इंडस्ट्री वर्कर्स, टैक्सेज वाई रिड्यूस्ड पेड बाई वेवर्स, यहाँ पे जो शाल इंडस्ट्री के वर्कर्स का टैक्स था वो कम कर दिया गया इसके रूल में। ही एसेस्टेड एंड फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू एट फिक्स्ड रेट, मैंने जो बताया इसने यहाँ पे फिक्स किया लैंड रेवेन्यू। ड्यूरिंग हिज रेन मैसिव फेमाइन ऑकर्ड इन 1877 एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि किसके रेन में यहाँ पे जो डोगरा रूलर थे यहाँ पे जो फेमाइन आया था उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरे थे। तो महाराजा रणबीर सिंह के रूल में यहाँ पे एक फेमाइन आया था 1877 में, तो काफी ज्यादा लोग उस दिन मरे थे इस फेमाइन से। He established several schools, maktabs and pachalas in Jammu and Srinagar and some of the towns in the state. इसने बहुत सारे schools बनाए, maktabs बनाए और pachalas बनाए Jammu and Srinagar में और बहुत सारे towns में भी। In 1856, Gilgit was reconquered and in 1870, Hunza Nagar and were annexed. 1856 में Gilgit इसने reconquered किया and 1870 में Hunza and Nagar were annexed by Maharaja Hari Singh, मैंने पहले ही बोला था। He constructed a famous Raghunath temple. The construction of famous Raghunath temple was completed in his rule. यहाँ पे जो रघुनाथ टेम्पल है जम्मू में जो लोकेटेड है उसको कंप्लीट की थी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे महाराजा रणबीर सिंह ने और स्टार्ट की थी इसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन महाराजा गुलाब सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो काफी ज्यादा टाइम पूछा गया है। विच बिकेम ए सेंटर ऑफ लर्निंग, जो एक सेंटर ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च बना, ए संस्कृत कॉलेज, ए मैग्निफिशेंट लाइब्रेरी एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड देयर। He also constructed Rambeshwar Temple and Mahamaya Temple. इसने यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल और महामाया टेम्पल भी बनाया। He established the system of Darbar movement. इसी ने यहाँ पे सबसे पहले दरबार मूवमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था जम्मू एंड कश्मीर में, दरबार मूव। तो अब यहाँ पे इसके बाद हम इसके कुछ MCQs देख लेते हैं जो इस टॉपिक पे जो हमने अभी तक कंप्लीट किया, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इसके आगे स्टार्ट करते हैं, जो नेक्स्ट डोगरा रूलर रहे हैं उसके रिलेटेड पढ़ते हैं और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स रहेंगे वो पढ़ते हैं। ये कुछ 3-4 वीडियोस में हम खत्म करते हैं ये सीरीज फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इसमें मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस या जे एंड के आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड होगा, तो 3-4 वीडियो इसमें आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट MCQs आप कोशिश कीजिएगा इन MCQs का जो है कमेंट सेक्शन में आंसर करने की पहले ही, और आप मुझे लास्ट में बताइएगा आपको कितने MCQs इसमें आते थे। तो हु कंबाइंड द सेपरेट किंगडम्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इनटू वन एम्पायर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसने यहाँ पे इन शॉर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक स्टेट में यहाँ पे फॉर्म किया था। ऑप्शन है हरि सिंह, रंजीत सिंह, करण सिंह और गुलाब सिंह, तो हमने डिस्कस किया इसको, आई होप आपको यहाँ पे याद रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स गुलाब सिंह ने यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया था इंटर स्टेट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को, लद्दाख में यहाँ पे एक स्टेट बनाया था, प्रिंसली स्टेट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है सही, कौन सा है। गुलाब सिंह रिऑर्गेनाइज्ड द रेवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम, यहाँ पे स्टेटमेंट ए इज गुलाब सिंह ने यहाँ पे रिऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम। स्टेटमेंट सेकंड इज ही रिड्यूस्ड द टैक्स ऑन द शाल ट्रेडर्स, तो यहाँ पे थर्ड जो दिया गया है थर्ड स्टेटमेंट दैट इज ही रीइंट्रोड्यूस्ड बेगार सिस्टम, और जिसे हम फोर्स लेबर भी कहते हैं। डी इज बोथ ए एंड बी, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी, और इसका जो आई थिंक इसका थर्ड भी यहाँ पे जो है ठीक रहेगा क्योंकि इसी ने रेंट्रोस किया बेगार सिस्टम भी। तो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे बोथ ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट, इसी ने गुलाब सिंह ने ही यहाँ पे जो है रिऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम
और टैक्स ऑन शाल्स इसने रिड्यूस किया और इंट्रोड्यूस किया बैकअप सिस्टम भी। क्वेश्चन नंबर थ्री इज नेम द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु वाज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। जो यहाँ पे पैट्रॉन था आर्ट ऑफ लिटरेचर का वो कौन सा रूलर है जम्मू एंड कश्मीर का। ऑप्शन सर गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, रंजीत सिंह और नाना प्रभु। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रणबीर सिंह वाज द पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हाई स्कूल्स और कॉलेज किसने एस्टैब्लिश किए जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन दिए गए हैं रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रताप सिंह। अभी हमने प्रताप सिंह के रिलेटेड नहीं पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रताप सिंह के रिलेटेड सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाई स्कूल्स और कॉलेज जो है वो सबसे पहले प्रताप सिंह ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था, या मतलब कि डोगरा रूलर कौन थे सबसे पहले। ऑप्शन सर महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरि सिंह और युवराज करण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए दैट इज महाराजा गुलाब सिंह वाज द फर्स्ट डोगरा और महाराजा ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर। कौन से साल में महाराजा गुलाब सिंह ने एक्वायर किया कश्मीर को ब्रिटिशर्स। ऑप्शन आर नवंबर 1880, ऑप्शन सी इज नवंबर 1846 AD, ऑप्शन बी इज अक्टूबर 1840 AD और ऑप्शन डी इज मार्च 1920 AD। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स नवंबर 1846 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के बाद कौन सा डोगरा रूलर है जो इसने जम्मू एंड कश्मीर पर रूल किया। ऑप्शन सर महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रंजीत सिंह और युवराज करण सिंह। इसका जो राइट आंसर है दैट इज महाराजा रणबीर सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह के बाद यहाँ पे रूल किया जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकली यूनाइटेड द थ्री रीजन दैट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इनटू अ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे किसने पॉलिटिकली यूनाइट किया जम्मू एंड कश्मीर को एक प्रिंसली स्टेट में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। ऑप्शन सर महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह। इसका जो राइट आंसर है महाराजा गुलाब सिंह 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिल्ट रामेश्वरम टेम्पल एट जम्मू रीजन। यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल किसने यहाँ पे बिल्ड किया जम्मू रीजन में। ऑप्शन सर महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह और रणबीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज महाराजा रणबीर सिंह एंड डी इज महाराजा हरि सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट्स महाराजा रणबीर सिंह ने रामेश्वरम टेम्पल यहाँ पे बिल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग और विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वर कंकर्ड बाय रणबीर सिंह। यहाँ पे कौन कौन सी टेरिटरीज रणबीर सिंह ने कंकर किए थे। ऑप्शन सर गिलगित, हंजानगर और एस्टोर और ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑल ऑफ दीज हमने भी पढ़ा था। गिलगित भी, हंजानगर और एस्टोर भी यहाँ पे इसने कंकर किए थे और ये पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पे बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस वीडियो इज ड्यूरिंग हूज रीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। यहाँ पे किसके रूल के ड्यूरेशन में जम्मू एंड कश्मीर ने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है इसमें पड़ा था जम्मू एंड कश्मीर में कंस्ट्रक्ट किया गया था। ऑप्शन आर महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज महाराजा प्रताप सिंह के रूल सॉरी महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह के रूल में। ऑप्शन नंबर ए महाराजा हरि सिंह के रूल में यहाँ पे जो है फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दैट इज मोहरा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको स्टडी मटेरियल PDF और एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।